हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ। तो आफ्टरनून का टाइम है और सभी बड़ों का प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार। और आफ्टरनून का टाइम देखो ये है, तो सभी बड़ों का प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार। और जिसने सब्सक्राइब करके रखा उनको भी धन्यवाद, जिसने नहीं किया उनको भी धन्यवाद। और आज थोड़ा स्माइली स्माइली करके नया ब्लॉग स्टार्ट किया, तो आप लोग समझ सकते हो स्माइली किस लिए है। तो चलो दिखाते हैं किस लिए है। और आज मैं जा रही हूँ मेरी मायके, मतलब मेरा मायके बिहार, और बंगला में बोलते हैं बापेर बाड़ी, भाइयर बाड़ी, मामार बाड़ी, ससुर बाड़ी। जा रही हूँ मैं घूमने, सबके घर घूमने जा रही हूँ मैं और मेरा बेटी। हस्बैंड बेटा यहीं रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की घर से लेकर कलकत्ता की सफ़र। तो ये है न्यू दिल्ली स्टेशन, और देखो मैं पहुँच गई न्यू दिल्ली स्टेशन। तो यहाँ पे हस्बैंड आए हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि छोड़ने तो आना ही है, क्योंकि हम लोग जा रहे दोनों माँ बेटी। और ये न्यू दिल्ली स्टेशन हमारा, तो अभी ऊपर जा रहे हैं और जाके तो उसके बाद स्टेशन तो टाइम पे आ गए। और मैंने एक बैग ले रखा है, तो चलो न्यू दिल्ली स्टेशन से अभी घर जाना है, क्योंकि जा रही हूँ घर, क्योंकि मम्मी की मेरी श्राद्ध बोल सकते हो या जो भी। तो यहाँ पे बैठ के आ गई थोड़ा पहले, तो क्या खाए, तो इसलिए सोच रहे थोड़ा सा खा, बिस्कुट विस्कुट कुछ खा के। देखो ट्रेन में हम बैठ गए, ट्रेन छोड़ भी दिया, और मतलब अचानक जा रही, जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो अचानक जा रही हूँ। और राजधानी है, पर ये पहले ऐसे होता था कि सारा कुछ लगता था, अब कुछ भी नहीं लगता है, पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सी धानी है। तो चलो जैसे भी हो घर तो पहुंचना है। तो ये देखो चारों तरफ का रास्ते का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा ही लग रहा है। तो मेरे को तो ऐसे चलते चलते बहुत दिखता है ना, तो अच्छा लगता है। तो ये अभी गाज़ियाबाद साइड की है, अभी गाज़ियाबाद को क्रॉस कर रहा है, तो अभी गाज़ियाबाद क्रॉस करके उसके बाद तो पता नहीं कहाँ जाएगा, जितना तो जानती हूँ उतना बता दिया, क्योंकि अभी ज़्यादा दूर गई नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलो चलते हैं मायके, मायके जाके दिल्ली से मायके का टूर आपके साथ शेयर करते हैं। और वहाँ जाके इस ट्रेन में मैं बोल नहीं पा रही, क्योंकि एक तो आवाज़ इतनी हो रही, और मैं मतलब इतनी जल्दी जल्दी आई कि मेरा बहुत सारे काम की चीज़ मैं छूट गया घर, और इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ। और मैं किसी का वीडियो भी नहीं देख पा रही हूँ कि बैठी हूँ, क्योंकि नेट नहीं चल रहा है, अप डाउन कर रहा है, मतलब सिग्नल आ रहा है जा रहा है, इसलिए ठीक से नहीं हो पा रहा है कुछ भी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे भूलना नहीं, मुझे थोड़ा सा याद करना, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। घर पे तो मेरा वाईफाई लगा हुआ है, तो कोई नेट का दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ़ोन में जो है उतने में 1.5-2 GB में क्या होता है, आप समझ सकते हो। तो चलो जा रही हूँ, और जाके दिखाती हूँ सबको, आप सबको कैसे मेरा सफ़र है, सफ़र रहा। तो चलो आप लोग साथ रहना मेरा, मैं जा रही हूँ, आप भी आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, तो आप सबको जा रही हूँ। और मैं कलकत्ता जाती हूँ, उतना टाइम नहीं हो पाता है, oh,
तो ये मैंने आज इस बार मैंने टिकट्स में घर से ही खाना लेके आई थी, तो मैंने पूरी और पनीर की सब्ज़ी लेके आई हूँ घर से, और पूरा नाश्ता वगैरह सब कुछ लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने इस बार ट्रेन का नहीं लिया। मुझे ऐसे भी मैं ट्रेन का देते थे तो मैं नहीं लेती थी। तो ये देखो मॉर्निंग का टाइम है और गुड मॉर्निंग सबको ट्रेन में, और देखो कितना अच्छा सूरज दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा ऐसे तो करने का मौका नहीं मिलेगा मैं आप सबको दिखाने का, तो दिखाते। और यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ हो रहे होंगे क्योंकि चारों तरफ मतलब आवाज़ ही आवाज़ है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है सूर्य भगवान। तो ये देखो सियालदह स्टेशन पहुंच गई हूँ और मेरे मामा अभी तक आए नहीं, तो मैं और बेटी निकल गई, निकल के थोड़ा हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं स्टेशन की। तो यहाँ पे तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, यही बोल रही हूँ कि मैं पहुँच चुकी हूँ कोलकाता, और कोलकाता आके जो एक खुशी है वो अलग होता है मायके आने का, और जब दिल्ली जाएंगे तो अलग खुशी के अपने घर का। तो ये बेटी मैं खड़ी हूँ और मामा आ गए। तो अभी देखो ये हमारा सियालदह स्टेशन है, और ये तो कलकत्ता वाले तो जानते ही है, पर जो मेरा दिल्ली वाले का फ्रेंड है जो उनको दिखाना चाह रही हूँ मैं ये सियालदह स्टेशन, और बहुत बड़ा ये सियालदह स्टेशन है। तो देखो चारों तरफ लोग ही लोग, और ये देखो लोकल ट्रेन आ गए और हम बैठ गए लोकल ट्रेन में। ये मेरे मामा हैं और बेटी मैं मामा बैठ गए, अभी ट्रेन में कोई भी नहीं आया। तो ये देखो उतर गए, उतर के तो बाइक में बैठ गए स्कूटी में, और ये जा रही हूँ स्टेशन से बिल्कुल मामा के घर तक। तो स्टेशन से स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट लगता है स्टेशन से। तो ये जा रहे वो लेने आए, तो और बेटी और मेरे मामा एक साथ चले जाएंगे, और मैं और मेरा बहन का लड़का ये एक साथ चले जाएंगे। तो बस दोनों बातें करते करते कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं। तो यहाँ इस जगह को जो कलकत्ता में यहाँ पे भी है, एक मेरा जानने वाला यूट्यूबर फ्रेंड वो रहते हैं अशोक हावड़ा का 3 नंबर गेट में, तो मैं ये अशोक नगर है जो जानते ही है। तो देखो मामा के घर बस पहुँच ही गई, तो मामा का घर गली में घुसते ही, क्योंकि आप अपने घर के सामने जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा कि नहीं अपने घर आ गए ऐसे लगेगा ना। तो देखो घर पहुँच गई मैं, और बस आके देखो ब्रेकफास्ट भी करने लग गई। मौसी बोली मामी बोली पहले ब्रेकफास्ट करो उसके बाद करना हर चीज़। तो चलो फिर मिलूंगी मैं नया ब्लॉग के साथ, आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, स्माइल करते रहना। टाटा बाय बाय।